प्यारे बच्चों, आज आपको एक कहानी सुनाते हैं जिसका शीर्षक है विजय पर। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, पशु पक्षी रहते थे। वहाँ पर एक कछुआ भी रहता था और एक खरगोश भी रहता था। इन दोनों में आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। एक बार ये दोनों आपस में बात करते हैं कि क्यों ना हम दोनों रेस लगाएं। तो ये फैसला होता है कि चलो भाई, कछुआ और खरगोश की रेस होगी। तोते जी को बुलाया जाता है और वो सीटी बजाने का काम करते हैं, तो रेस स्टार्ट होती है। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, खरगोश तो जानते हो ना, बहुत तेज दौड़ता है। बहुत तेजी से दौड़ता 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 कछुए से बहुत आगे निकल आता है। और जब आगे निकल आता है, पीछे मुड़ के देखता है तो कछुआ उससे बहुत पीछे होता है। ये सोचता है कि कछुआ तो मुझसे बहुत पीछे है, वो तो अभी बहुत धीरे धीरे चलता है, क्यों ना मैं आगे जाके इस पेड़ के नीचे ठंडी हवा में आराम कर लूं। लेकिन ये कछुआ रुकता नहीं है, वो धीरे 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 आगे बढ़ता जाता है और खरगोश से आगे निकल जाता है। काफी देर के बाद जब खरगोश की आंख खुलती है तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कहीं पर भी कछुआ नहीं दिखाई देता। ये सोचता है कि कछुआ तो भी बहुत पीछे होगा, मैं तेज से दौड़ करके रेस जीत जाऊंगा। लेकिन तब तक कछुआ जीत हासिल कर चुका होता है और वो सबसे आगे पहुंच करके सभी लोग उसकी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं। जब तक खरगोश वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि कछुआ तो अपने गंतव्य पे पहुंच गया है और वो जीत चुका है। तभी हाथी राजा आते हैं और कछुए को माला पहनाते हैं और सब लोग उसकी जीत की खुशी में ताली बजा रहे हैं। खरगोश को समझ में आता है कि वो तेज दौड़ने के बावजूद भी हार गया और कछुआ धीरे चलने के बावजूद भी जीत गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए बच्चों, कि हम ये काम कर सकते हैं और हम ही जीतेंगे। और जीत उसी की होती है जो लगातार बिना रुके परिश्रम करता है, आगे बढ़ता रहता है, जीत वही हासिल करता है। तो आप सोचिएगा कि कछुआ इतना धीरे चलने के बावजूद भी कैसे जीत गया और खरगोश तेज दौड़ने वाला भी कैसे हार गया।